हाय गाइस, आज मैं इसी की नॉइज़ की प्रॉब्लम पे एक वीडियो बना रहा हूँ। इसी में अचानक से नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि कंटिन्यू नहीं होती है, रैंडम होती है, अचानक से आती है, और वो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। जब भी हम एसी को बंद करते हैं या फिर कंप्रेसर बंद होता है, तभी ये नॉइज़ आती है। ये सर्विस कराने के बाद ही स्टार्ट होता है, कभी कभी ऐसे भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरे एक फ्रेंड के घर में भी ऐसी आवाज़ आ रही थी एसी में, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाता हूँ। तो उसको कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में देखेंगे। उसमें कोई एसी में ख़राबी नहीं है, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बस उसको फिक्स करना है। तो मैं पहले ऑन करके आपको एसी की नॉइज़ सुनाता हूँ, जो कंप्रेसर बंद होने पर आवाज़ आती है। तो एसी को ऑन कर लेते हैं। देखिए, एसी ऑन हो गया और कंप्रेसर भी ऑन हो गया। तो कंप्रेसर बंद होने में तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूँगा, जिससे कंप्रेसर इंस्टेंट ऑफ हो जाए और वो आवाज़ सुनाई दे। तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। देखिए, ये आई आवाज़। तो मैं आपको इसको रिपीट करके सुनाता हूँ। ये देखिए, फिर से आवाज़ आई। तो यही आवाज़ जो है बहुत तेज़ आवाज़ आती है। इसको कैसे बंद करेंगे, इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो एसी को ऑफ़ कर लेते हैं, मेन स्विच को भी ऑफ़ कर लेंगे और इसके पैनल को खोल लेंगे। बस एसी को थोड़ा सा हमको आगे करना है। ये देखिए, ये जो गैस पाइप है, ये जो रिंग बना हुआ है, ये इसी से आवाज़ आ रही है। ये टाई से लॉक रहता है और ये टाई टूट चुकी है और इसलिए ये रिंग खुल गया है। और ये जो गैस पाइप जा रहा है कंप्रेसर में, तो जब भी कंप्रेसर बंद होता है तो इस पर एक जर्क पड़ता है और ये आपस में टकराते हैं, तो उसी से वो नॉइज़ आ रही है। तो हम इसको फिर से बांध देंगे किसी वायर या टाई से, और टाई इसी में पड़ी हुई कहीं एसी में। ये देखिए, ये पड़ी हुई है यहाँ पर, यही इसमें लॉक थी। एक और टाई दिख रही है, ये देखिए, यही दोनों टाई इसमें अच्छे से बंधी थी, लेकिन वो कुछ टाइम बाद सड़ के टूट गई हैं, क्योंकि इस पर झटका पड़ता रहता है जब भी कंप्रेसर बंद होता है। इस तरीके से इसको बांधना है। तो मेरे पास टाई मुझे मिल गई है, तो मैं इसमें दो तीन टाई लगा दूँगा। मैं इसमें एक वायर भी लगा दूंगा, जिससे ये ज़्यादा मूव ना करे। अब मैं आपको एसी ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन होने पर इस पर कम झटका पड़ेगा, लेकिन जब भी कंप्रेसर बंद होता है तो इससे ज़्यादा झटका पड़ता है, लेकिन अब ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस पर वायर भी लगा दिया। इसको बंद करते हैं। ये देखिए, बांधने के बाद इतना हिलता है, तो जब वायर नहीं बना था तब तो बहुत ज़्यादा हिलता होगा, तो इसीलिए वो नॉइज़ आती है। अब नॉइज़ भी नहीं आई कोई। मैं अभी आपको एसी को पैक करके अंदर करके फिर से सुनाऊंगा, नॉइस अब आती है कि नहीं। अब बिल्कुल नॉइस नहीं आएगी। अब एसी को ऑन कर लेते हैं। कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है। कंप्रेसर को बंद करने के लिए हम थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जिससे कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाए। देखिए, कंप्रेसर बंद हो गया, लेकिन कोई नॉइज नहीं आई। अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई।
तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।